बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती व राजस्थान प्रदेश के दिशा निर्देशानुसार झालावाड़ जिले की अति महत्वपूर्ण बैठक अंगद कुमार जैन स्मृति भवन आयोजित की गई है, जहां पर जिसकी अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्र सिंह केरार ने की है। बैठक की मुख्य अतिथि सीपी सिंह केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राजस्थान प्रभारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दलितों आदिवासी के खिलाफ है और इस फैसले का बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी विरोध किया है। यह फैसला आरक्षण कोटे और कोटा दे के एससी एसटी को लड़ाने का काम किया है। झालावाड़ जिला पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसके बावजूद भी यहाँ पर महिला अत्याचार चरम पर है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने भी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस दलित आदिवासी पिछड़ों की विरोधी रही। वशिष्ठ अतिथि और विशिष्ट अतिथि जोन प्रभारी हरीश सिंह तेनुगिया ने भी अपने विचार कार्यक्रम में रखे और बसपा ने जोन प्रभारी हनुमान सरहाय अग्रवाल, प्रदेश सचिव रणजीत सिंह जाटव, पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रामलाल रेगर, हाफिज सूफी, सैयस हुसैन, वाजिद खान शेरा, शकुंतला बाई सहित बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी की बैठक संपन्न हुई, आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा रहा यहाँ का आपका? देखिए, यहाँ के लोगों से जानकारी ली, जिस तरह बहन कुमारी मैत्री ने हमें आदेश दिए कि संगठन को हमें मजबूत करना है, संगठन को मजबूत किया, मगर यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का यह क्षेत्र है, मगर यहाँ पर महिलाओं के प्रति यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपराध है और यहाँ जन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो जबकि दो दो बार यहाँ मुख्यमंत्री रहने के बाद यहाँ जो सुविधा मिलनी चाहिए थी यहाँ की जनता को, वो आज तक नहीं मिल पाई है। तो बहुजन समाज पार्टी इसकी निंदा करती है और जब भी बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलेगा तो लोगों के लिए बेहतर काम करते हैं हम लोग दिखाएंगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश हम लोगों ने काम किए, उसी तरह हम लोग यहाँ भी अपराध मुक्त और भयमुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी काफी समय बाद यहाँ पर बैठक संपन्न हुई है, पहले काफी अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है राजस्थान में भी और झालावाड़ में भी? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी झालावाड़ के जिला स्तर के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता है, खासकर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको ही बुलाया गया था और आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि जिले का संगठन, विधानसभा का संगठन, सेक्टर का संगठन, हमें नीचे बूथ तक का संगठन तैयार करना है और इसके लिए आज हमारे साथ में हमारे जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री सीपीसी वो भी चलकर आए, जिले प्रदेश के हमारे तमाम जिलेदार साथी, चाहे हरी सिंह जी, अजय अग्रवाल जी, तमाम हमारे प्रदेश की जो टीम वो आज पहुंची है। अब वो आने वाले समय में हर महीने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी का दौरा होता रहेगा और झालावाड़ जिस प्रकार से पहले मजबूत था, आगे भी मजबूत करेगा। अभी आगामी जो पंचायत का चुनाव है या नगर परिषद का चुनाव है।